हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि रेजर व्यूज को हम अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं और जो भी कोड हम लोग को रीयूज करना होता है उनको अपने लेआउट से या रेंडर कैसे करना होता है। आज हम बात करेंगे कि डेटा को कंट्रोलर्स में कैसे पास करते हैं जिससे कि एक डिस्प्ले में वो उनका लुकआउट बन जाए। इसे मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कंट्रोलर्स फोल्डर से ब्लॉक कंट्रोलर डॉट सी एस पे जाएंगे। अब मान लीजिए हमें अपने पोस्ट में अगर ईयर मंथ और जो टाइम है उसको डायनेमिकली चेंज करना है, डायनेमिकली उससे इंटरेक्ट करना है, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक रूट सिंटैक्स लिख दिया है जिसमें ईयर मिनट मंथ मंथ की रेंज और एक की मैंने डिफाइन कर दी है। यहाँ पे दो पैरामीटर्स मैंने डिफाइन करे हैं, एक ईयर और मंथ, दोनों की मैंने एक रेंज डिफाइन कर दी है जिसमें ईयर की एक मिनिमम रेंज मैंने 2000 दे दी है और मंथ की एक जो रेंज है 1 से 12 वो दे दी है। अगर हमें अपने व्यू में टाइटल, होस्ट और ऑथर के बारे में और ज़्यादा डायनेमिकली इंटरेक्ट करना है तो हम इस रूट सिंटैक्स को लिखते हैं और एक कंट्रोलर में एक्शन रिजल्ट को, यहाँ एक मेथड को हमने बना दिया है, ये सिंटैक्स हमने लिख दिया है। इससे ये टाइटल मैंने डिफाइन कर दिया है, उसकी डेट यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी है, ऑथर का नाम और बॉडी, इसमें मैंने ईयर और मंथ को एज अ वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर दिया है और हर वेरिएबल को हमने डिफाइन करने के लिए व्यू बैक ये मेथड में हम लोग ने एक यूज करा है। ये एक कंट्रोलर मेथड है जो कि एक और डायनेमिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ये दोनों तरफ से एक्सेसिबल होता है, कंट्रोलर की तरफ से भी, एक व्यू साइड की भी तरफ से। और अपने इस ब्लॉक कंट्रोलर को रेंडर करने के लिए हम वापस अपने जाते हैं इस ब्लॉक फोल्डर में, इसमें एक नई क्लास बनाते हैं पोस्ट के नाम से और हमने ये अपनी पोस्ट नाम की क्लास इसे बना दिया है इस पेज को। ये एक्चुअली हमें मदद करेगा अपने ब्लॉक कंट्रोलर जो वाला जो पेज था इसको डिफाइन करने में, इसको रेंडर करने में। और यहाँ पे देखिए हमने वापस अपना इस सिंटैक्स लिख दिया जो मैंने आपको पिछली बार समझाया था और अब हम अपनी इस वेबसाइट को फिर से रन कराएंगे। कमिंग डाउन टू आवर वेरी पेज, हम लोग इस रीडर ब्लॉक वाले ऑप्शन पे वापस जाते हैं। नाउ गोइंग टू द URL दैट वी नीड, तो आप सभी को ये दिख सकता है कि यहाँ डेट, टाइम और जो ऑथर का नाम है ये हमने डायनेमिकली यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डेट और टाइम है ये हम लोग पहले से फिक्स नहीं करी है, इसलिए इस चीज को मैं डायनेमिकली इंटरैक्ट कर सकता हूँ। और ये मैंने एक जो बॉडी डिफाइन कर दी थी ये यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस इज अ ग्रेट पोस्ट डोंट यू थिंक। तो इस पार्ट में हमने जाना कि डेटा को कैसे कंट्रोलर से व्यू की तरफ हम लोग यूज कर सकते हैं।